जय श्री कृष्ण राधे राधे। लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंस फंस कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पुलिस केस हो जाता है तो गलत काम करने ही नहीं चाहिए जिससे आपको ये सब भुगत मान करना पड़े। लेकिन कुंडली में कैसे देखे जाए कि कोर्ट कचहरी के मामले आपके ऊपर हैवी हो जाए या हावी हो जाते हैं। गुरु के नीच होने पर भी यह स्थिति हो जाती है, केतु के नीच होने पर भी यह स्थिति हो जाती है, या आपके राहु पीड़ित हो तब भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा ही देगा। साथ में अगर आपको बहुत सारी समस्या आती है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, तो मैंने उसके पहले भी उपाय बताए थे कि आप यह उपाय कीजिए। लेकिन साथ में कोर्ट की जब भी ज्यादा समस्या होती है, जैसे आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया हो या बिना मतलब का केस चल रहा हो, तो आप जाकर किसी भी कोर्ट में जाकर जहां कहीं पानी का स्थान है, पानी पीने का स्थान है, वहां पर थोड़ा पानी लीजिए, उसे हाथ मुंह धो लीजिए वहां जाकर, आपको उससे भी निदान होगा। दूसरा उपाय, अगर आप एक स्फटिक की शिवलिंग, में बता रहा हूं आपको, स्फटिक का शिवलिंग अगर आप घर में रखते हैं, चांदी में नहीं रख सकते तो आटे की लोई बनाकर उसके अंदर रखिए। जैसे माता जी का हस्त कमल होता है, शिवलिंग की आकृति आपको आटे में बनानी है और बीच में स्फटिक की शिवलिंग रख देनी है और 41 दिन तक इसे दूध से अभिषेक कीजिए। आपकी कैसी भी समस्या हो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। धन से जुड़ी समस्याओं के लिए कर्जे में जो लोग ज्यादा रहते हैं, वह इस स्फटिक की शिवलिंग की पूजा जरूर कीजिए। आपको अगर कहीं प्राण प्रतिष्ठित या आपको कहीं सिद्ध करा हुआ स्फटिक की शिवलिंग ओरिजिनल नहीं मिल रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूं, वहां पर आप जाकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, अपना एड्रेस डाल दीजिए और जो हुआ गूगल पे पेमेंट करने का के तो आप कर दीजिए। फिर मैसेज आपको यहां से जब भी कुरियर निकलेगा कार्यालय से, उस समय आपको यह स्फटिक शिवलिंग का लिखना है कि मुझे स्फटिक शिवलिंग चाहिए आपके घर तक। जब तक पहुंचे वह लोग जब भी कुरियर करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन